अनफॉर्चुनेटली चाहे तो उसका नाम बता सकते हैं। नहीं नाम क्या बताना, मैं तो मतलब कहता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेट है कि उनकी लिमिटेड नॉलेज है और ये कोशिश भी नहीं करेंगे कभी जिंदगी में। और सबसे बड़ी बात है कि ये तुम्हारे शो में कभी आने वाले भी नहीं है। नहीं इनको जिंदगी में सिर्फ सपना। और ये बोले बोले नहीं, कुछ ही चुनिंदा लोग हैं, दो चार लोग, 10-20 लोग हैं ऐसे चुनिंदा जो ऐसे होते हैं 0.1%, उसके अलावा। हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ कि पर चक्कर क्या होता है ना कि एक साइकोलॉजी का रूल है कि हर 7 पॉजिटिव कमेंट इज इक्वल टू 1 नेगेटिव कमेंट। हाँ, तो होता क्या है कि तुम हमेशा नेगेटिव कमेंट को बड़ी जल्दी पढ़ते हो, तुम्हारे को एकदम से दिल को छूता है नेगेटिव कमेंट बस, और पॉजिटिव 7 कमेंट आपको लगता है कि हाँ यार ये सब अच्छा कह रहे हैं बट इसने गलत क्यों कहा। तो हमारा नेचर है, मतलब ह्यूमन, ये ह्यूमन नेचर का पार्ट है कि हम हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट बड़ी जल्दी करते हैं, हम खुद अट्रैक्ट होते हैं बड़ी जल्दी, तो वो एक पार्ट है। बट धीरे धीरे क्या होता है कि हम आइसोलेट होना शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है बहुत सारे लोग हैं जो रिप्लाई करते हैं एक दूसरे को, मतलब काफी लोगों को रिप्लाई करते थे पहले लोग इंस्टाग्राम पे या जहां पर भी वो थे, अब क्या था काफी लोग रिप्लाई नहीं करते, इसलिए नहीं रिप्लाई करते क्योंकि कई लोग क्या थोड़ा सा वो बदतमीजी बताते हैं, उनको थोड़ा मैनर्स की प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा सा बुरा लगता है। अदरवाइज कोई इंसान मुझे लगता नहीं है कि जिसको तुम अप्रिशिएट करो और वो रिप्लाई या थैंक यू ना कहे आप। तो ये तो एक बहुत ही मतलब टफ होता है कि आपके पास नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं तो उसमें मोरल डाउन भी होता है कई बार हमारा। यार अब नहीं होता, अब नहीं होता, पहले होता था। मतलब पहले क्या, मैं तो बोल रहा हूं कि कैसे निकले आप, क्योंकि कई मैंने देखा मेरे साथ भी होता है कई बार कि किसी ने कुछ नेगेटिव फीडबैक दे दिया तो मैं सोचता हूँ यार सो रोक देता हूँ। नहीं नहीं यार ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि यार देख कुछ होता है, क्रिटिसाइज करने वाले वो लोग होते हैं जो ईमानदारी से क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि यार हाँ कुछ चीजें मैंने क्रिटिसाइज होने से बहुत सारी चीजें सीखी भी हैं। जैसे कुछ कुछ वीडियो में, शुरू के वीडियोस में बड़ा काम था, फिर कुछ कुछ में मैं थोड़ा तेज बोल गया, कुछ कुछ में मेरा आवाज क्लियर नहीं होता। जिन लोगों ने ईमानदारी से वो कमेंट लिखा, मैंने वो काम किया उनका और मैंने उन लोगों को थैंक यू भी भेजा है कि आपने मुझे ये चीज नोटिस दिलाई, थैंक यू। तो होता क्या कि कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जो आपको थॉट, तो आप नेगेटिव पे बाय बाय नहीं कर सकते। हाँ आप एक्नॉलेज कर सकते हो कुछ लोगों को अच्छी तरह से और कुछ चीजों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, ये पार्ट एंड पार्सल है आपके आपके लोगों को जानने के लिए। जानते अगर आप, आपको लोग जानते हैं तो ये उसका पार्ट एंड पार्सल है। एक मतलब एक आखिरी क्वेश्चन ये था कि कोई भी आर्टिस्ट जो नया आया है, पोएट है, स्टोरी टेलर है, शायर है, कोई भी है, कॉमेडियन है, जो नया उसने स्टार्ट किया है आज से या कल से, तो उसको ग्रो कैसे करना चाहिए? देखो मतलब अगर कोई आज या कल से स्टार्ट करा तो पहली बात तो निकलो मत घर से, ठीक है? बिल्कुल। और आने वाले 2-3 महीने मत निकलो, घर पे रहो, ठीक है? तो ये उनके लिए ये राय है मेरी। भोपाल आने का कोई है आगे अभी हमारे साथ सुनने का? भोपाल यार अभी तो कोई अभी अभी नहीं है अभी यार देखो, मतलब टूर था कि नए सोलो का टूर होने, नया टूर अभी स्टार्ट होगा, बचपन अभी भी कंटिन्यू करके चल रहा है, बट वो पहले से और बेटर हो गया, उसमें कुछ पार्ट निकल गए हैं तो कुछ पार्ट नए ऐड हो गए हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि सोलो हमेशा एक पार्ट मेन इंटीग रहता है, बाकी सब चीजें उसमें बदलती रहती हैं। तो सोलो पहले से और बेटर हो गया, मतलब जो पिछली बार सुना होगा तो उससे फार बेटर हो गया होगा, उसमें से कुछ बिट नेट पे निकल गई हैं, कुछ बिट निकल जाएंगी जब तक वो नया शो होगा। बट ये होता है कि साथ साथ उसमें इवॉल्वमेंट होता है कि कुछ और नया लिखना, कुछ और नया क्रिएट करना, ये इंपॉर्टेंट होता है यार। तो हमने कुछ नया क्रिएट किया है अभी, नया बनाया है, और मतलब इसीलिए क्या होता है कि अभी प्रोसेस है, और साथ साथ मैं नया सोलो लेकर आऊँ थोड़ा टाइम से, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मुझे नहीं पता वो कब तैयार होगा। मैं अभी जैसे कोशिश कर रहा हूँ कि यार उसको बेटर लिखा जाए, जो पहला सोलो किया था उससे बेटर हो, तो उसके लिए थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। यू नेवर नो, क्योंकि भैया ये बात है ना, आज रात में लिख दोगे कि हाँ बस लिख दिया, फिर अगले दिन याद आता कि बेकार था। तो यार वैसे बहुत सारी चीजें आएंगी, अप एंड डाउन आएंगे, बट एक अच्छा सोलो बनने में लगेगा यार, अभी 5-6 महीने जाएगा एक अच्छा सोलो बनने में, 5-6 महीने हो चुके हैं, 5-6 महीने भी और जाएंगे, तो वो चल रहा है। बाकी पैरेलली बचपन चलेगा, अब मुझे नहीं पता कि यार ये लॉकडाउन कब खत्म होगा, लॉकडाउन के बाद एक नॉर्मल लाइफ आने में भी मेरे हिसाब से सितंबर जाएगा, सितंबर से पहले कुछ नहीं होगा। तो सितंबर से पहले नहीं होगा कुछ भी, तो यार मुझे लगता है कि यार इससे बेटर है कि अपना काम करिए। बाकी अगर आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि नए कॉमिक्स को लोग, नए कॉमिक्स नए पोएट के लिए लोग गाले देंगे, अगर हम बोल देंगे कि हाथ धो लो भाई, लोग गाले दे देंगे हमें चीजों पर कि नए कॉमिक्स, मैं करूँ देखो ऐसा होता है, बस क्या करें ले यार, देखो वो भी बेचारे सुन कहीं ना कहीं, तो उनको भी एक सोचिए। बट अल्टीमेटली बस यही है यार कि आप ट्राई कर सकते हो, आपको लगता है जिस दिन लगता है, जिस टाइम का वेट कर रहे हो कि कल से करेंगे परसों से करेंगे, ये यार ये थोड़ा मुश्किल है। अभी क्या है कि हर डे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, हर दिन आप जो नए लोग आ रहे हैं वो काफी वेल तैयार होकर आ रहे हैं, क्योंकि क्या है ना
कि पहले इंडिया में कॉमेडी इतना ज्यादा था नहीं, अभी क्या कि जो गलतियां कॉमिक कर रहे हैं वो गलतियों से वो सीख के आ रहे हैं, तो उनकी जर्नी थोड़ी स्मूथ होगी, बेटर होगी, और थोड़े से वो बेटर परफॉर्मर भी होंगे, बेटर थोड़ा सा उनको आइडिया भी होगा, तो मुझे लगता है कि यार उनके लिए काफी बेटर है। बस यही है कि आपको स्टार्ट करना है, थोड़ा टाइम लेना है, और क्रिएटिविटी या कोई भी चीज होता है ना, ये चीज यार हर चीज अपना टाइम मांगती है, हर चीज अपना टाइम अपनी एक वो मांगती है उम्र, कि मुझे इतना साल दोगे तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तो अगर आप उस चीज के लिए तैयार हो कि आपको एक साल दो साल में ही सीखना है, ऐसा नहीं होता, आपकी जर्नी है, हर दिन आपको सीखोगे। स्टेज पे जैसे आप लोग भी पोएट्री या कुछ करते हैं, आप लोग आपको भी नोटिस करना कि जो आप सोच के जाते हो वैसा थोड़ी परफॉर्म करते हो, नहीं हो पाता, नहीं तो कभी होता ही नहीं ना। तो वही तो कह रहा हूँ, तो जब वो सेम नहीं होता तो फिर आप प्लान क्या कर रहे हो, कुछ नहीं ना। तो इसलिए क्या होता है कि आप ये चीज लर्न करिए कि आपको बेटर होना है विद टाइम, बेटर चीजें सीखनी है, बेटर आपको एज अ परफॉर्मर। जैसे कई बार क्या होता है कि पहले आप वर्ड से अच्छे होते हो, फिर क्या होता है फिर एक्सप्रेशन से अच्छे हो जाते हो, फिर उसको एक्सप्रेस करने में अच्छे हो जाते हो। तो मैं कह रहा हूँ हर चीज पे काम होता है, तो हर चीज पहले, हाँ वक्त लगता है बड़ा, एक हर एक चीज को उम्र मांगती है हर चीज अपनी, तो वो उम्र आप उसको दे दोगे, अपनी उम्र दे दोगे उसको तो ठीक है, अदरवाइज बाकी क्या होता है कई बार तो यार ये भी है कि यार कई लोग सिर्फ शो ऑफ के लिए करते हैं कि उनको अपने इंस्टाग्राम पे लिखना है कि वी आर पोएट, वी आर कॉमेडियन, तो वो बड़ा यार एक वो नया चक्कर है कि उनको लगता है कि यार इससे ना मतलब तीन चार लड़कियां पागल हो जाएंगी, तो वो फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे यार, वो बड़ा ही, और वो थोड़े दिनों के बाद ना वो जल्दी निराश होते हैं, वो देखना वो वाले बंदे बहुत जल्दी निराश होते हैं, फिर वो दुनिया को कहते हैं यार ऐसा हो नहीं पा रहा यार, यू नो आई वॉज बिजी इन माई वर्क, यू नो तो फिर वो छह महीने बाद, वो फिर छह महीने के बाद उनको साल हो जाता है स्टेज पे जाते हुए, फिर वो दो साल बच जाते हैं, फिर वो बस वो किसी, वो फिर एक ऑडियंस बन जाते हैं, बस ऑडियंस, और बाद में फिर वो हेटर बन जाते हैं, हेटर, और फिर बाद में वो वहां पे उसको एडिट करके वो लिख देते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हाँ फिर वो कमेंट लिख के, नहीं फिर वो कमेंट लिखता है हमारे वीडियो के नीचे कि ये क्या बेकार था ये, तो ये वही लोग होते हैं मेरे, बाद में ये हेटर में कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में, फिर ये लिखते हैं ना, यही लिखते हैं तेरी बेवफाई में रजाई मैं गर्म हो गया, ये बाद में ये लिखते हैं बाद में बैठे, रजाई खोल कर देखा तो पंखा चालू नहीं था, इस टाइप से, हाँ हाँ ये सब बनाते हैं। तुम ये परफॉर्म करो, तुम ये तुम परफॉर्म करो स्टेज पे, देखा बताऊं तुम्हें, अगर टमाटर वमाटर ना पड़े बताना फिर मुझे अभी अभी कर सकता हूँ, टमाटर की काफी जरूरत है, कुछ भी मिल रहा है, मीम बनाता है, मीम काफी बनाता है अंकित, ये यूथ क्या बना रहा है, यूथ यही तो बना रहा है, यूथ मीम बना रहा है। मैं एक चीज और, आप मेरे ऑफिस आ चुके हैं नोएडा में, 135 सेक्टर में आपने परफॉर्मेंस की थी वहाँ पर, किसमें, उस टाइम विजय चौहान भी आए थे, हाँ विजय विजय भी आए थे, विजय यहाँ, अच्छा 135 में वो पूरा जो था ओपन एयर था, आईटी पार्क, ओपन एयर था ना ओपन, वो कौन सा बिल्डिंग का नाम है, सी से नाम है उस बिल्डिंग का नाम है, हाँ सेज एसी जेड था, हाँ हाँ तो तीन शो थे वो, एसी जेड में था, आपको तो बड़ा अच्छा है कि आज मौका मिला आपका इंटरव्यू लेने का, अरे अरे यार मतलब तुम देख रहे हो, तुमने कभी सोचा था कि मैं वहां से कौन है, तुम खड़े होकर मुझसे बात कर रहे हो, क्या देखो किस्मत होती है ये चीज, उसके बाद भी तुम रजाई और रोई की बातें कर रहे हो मुझसे, तो यही तो बात है, यही आपको सारी दुनिया का शौक है आपको यार, नहीं मैं यार ऐसा कोई, मैं कोई चीज का शौकीन वैसा नहीं हूँ, मैं सिर्फ चीजें सुनता हूँ, मतलब इन टर्म्स की कुछ सीखने के लिए, मतलब होता ना कि आप कुछ सीखो, मतलब किसी चीज से आप कुछ सीख सकते हो, तो यार मुझे लगता है कि आप करो ट्राई, मतलब मुझे लगता है ऐसा नहीं कि आप बोलो हवेला, हर किसी को लगता है कि यार शायरी लिख दूंगा मैं भी, ऐसा होता नहीं है, बस ये कि वो भी टाइम मांगता है, हाँ ये कि मुझे लिखना आता है थोड़ा बहुत, तो मैं कोशिश कर सकता हूँ, और क्योंकि मैं स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ तो शायद दो मिनट के लिए ले भी जाऊँ उस बात को, बट किसी पोएट का मैं पोएट्री बन जाऊंगा उससे कि मैं पोएट बन की बातें बजाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, तो आई गेस मैं सिर्फ कोई चीज अच्छी हो जो मुझे समझ में आ जाए मैं सुन लेता हूँ, अदरवाइज फिर यार फिर क्या होता है कि अब क्या होता है कि जैसे आप जितना सुनते रहते हो ना, फिर वो आपकी क्रिएटिविटी के अंदर हैम्पर करता है आपको, क्योंकि फिर आपको लगता है कि यार कहीं ना कहीं आप लिखते लिखते ना वही चीज ना लिख दो, वो कॉमेडी या पोएट्री में बड़ा होता है यार ये, मतलब कि ना आपने कोई चीज सुनी और आप एक साल बाद क्या कर रहे हैं, आपका दिमाग काम कर गया, लिखते लिखते रात में आपने वो लिख दिया और लगा कि अरे ये तो किसी और ने लिखा हुआ था, बाद में याद आता है, तो यार ये बड़ी चीज है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ले जाता है, तो आपको लगता है कि आपने क्रिएट किया है, सही बात है।
तो आपका कोई प्लान है जैसे कि आपको कभी अगर मूवीज में आपको कभी मौका मिलता है लिखने के लिए? जरूर जरूर यार, ये हो गया, वेब सीरीज हो गया, जरूर है दिमाग में है कहीं ना कहीं कि यार अगर इस तरह का काम मिलता है तो आई गेस मैं डेफिनेटली ट्राई करना चाहूंगा और करूंगा भी। मुझे लगता है कि यार हाँ एक टाइम आ गया कि इस तरह सब काम होना चाहिए, तो वुड लव टू डू दैट बिकॉज यार कॉमेडी भी अपना टाइम लेगी। जैसे पहले दो दिन जो सोलो लिखे ना वो अपने बारे में लिखे हैं, तो शायद इसीलिए वो दो साल में लिख दिया एक सोलो मैंने, मतलब दो साल में 60-70 मिनट बना दिए। बट अब जो नए बनेंगे ना वो टाइम लेंगे और ज्यादा, क्योंकि यार वो लंबा टाइम होगा ना, वो आप क्रिएट करोगे। तो मुझे लगता है कि अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हैं। वो एक्सपेक्टेशन तो खैर क्या ही है यार, लोगों ने लिखना ही कुछ किया हो तो अब वो कमेंट से आप इतना, अब मुझे लगता है कि आप उतना मोटिवेट जितना आप मोटिवेट खुद से होते किसी और से नहीं हो गए। अब एक टाइम तक आपको चाहिए था कि हाँ जैसे अभी जितने भी सब्सक्राइबर है जितने लोग मेरे वीडियो देख चुके हैं यार वैलिडेशन के लिए काफी है कि हाँ मैं इतना बुरा नहीं करता बस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अच्छा करता हूँ, मैं इतना बुरा नहीं करता बस, वो धीरे धीरे बेटर कर सकता हूँ मैं इसको, तो इसलिए ये एक पॉइंट है बस। बाकी तो जर्नी लंबी है, बहुत लंबी जर्नी है। अगर आपको 20-25 साल करना है अपनी जिंदगी में, जब तक आपकी आपका शरीर साथ दे रहा है और आपको लगता है कि आप काम कर सकते हो और इस फील्ड में काम कर सकते हो, मुझे लगता है यार तब तक करते रहो बस। तो आपने जो हम लोगों के साथ बातें की, उन बातों के लिए आपके पास थैंक यू है। आपने जो भी मैसेज दिया जितने भी आर्टिस्ट को, जो जो आपने इंटरेस्टिंग बातें बताई किसी भी सब इनके लिए आपका थैंक यू। और कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहते हो पब्लिक के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए? देखो बस मतलब यार मैसेज नहीं है, मैं भी वही कहता हूँ कि अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो तो यार राइट टाइम है, अपने टाइम को यूटिलाइज करो, वही एक चीज है। अदरवाइज और कुछ तुम्हारे हाथ में है नहीं। कई लोग फाइनेंशियली जूझ रहे होंगे, कई बार किसी और चीज में जूझ रहे होंगे, मुझे लगता है कि सिर्फ आपके पास एक राइट टाइम है जो आपके हाथ में अभी है, यूटिलाइज इट इन लर्निंग समथिंग दैट इज समथिंग विच इज इजीली एक्सेसिबल इन टर्म्स ऑफ इफ यू रियली वांट टू लर्न समथिंग। आपके पास यूट्यूब है, आपके पास अदर साइट्स हैं जहां पर आप सीख सकते हो जो शायद आज से 10 साल पहले नहीं था, तो आप यूटिलाइज करने के बाद है कि यूटिलाइज योर रिसोर्सेज यार, यही चीज है। बाकी हर एक अपनी अपनी जिंदगी है, कभी किसी मोड़ पे कहां कोई हमें मिल जाए हमें क्या पता। सही बात। तो थैंक यू सो मच सर इतना टाइम देने के लिए हमें, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी अगर मौका मिला तो आप हमसे जुड़े, लॉकडाउन में हमारा साथ दें। जरूर जरूर जरूर, थैंक्स अ लॉट। और आपकी के साथ आप, तो मैं खत्म करना चाहूंगा इस शो को। अरे प्लेजर टॉकिंग टू यू बोथ यार, थैंक यू थैंक यू। चलो मिलते हैं कभी आराम से। तो आप सुन रहे थे हमारा टॉक शो बातें, कुछ बातें आपकी कुछ मेरी कुछ हम सब की, और हमारे बीच मौजूद थे रजत चौहान। तो थैंक यू सो मच सभी की तरफ से, और उम्मीद करते हैं कि मिलते हैं। और इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ आपसे, विदाई लेना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।